हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लांट्स एंड पेट्स लवर। फ्रेंड्स, अगर आपकी प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ भी नहीं हो रही है और कलियां बन रही हैं और साइज छोटा है या फिर गिर रही हैं, तो जो आज हम फर्टिलाइज़र बनाकर देंगे वो सारी समस्याओं का समाधान करेगा। तो आप उसको हर फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं, क्योंकि हर फ्लावरिंग प्लांट के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, जिंक, विटामिन्स, ये सब हमारे प्लांट्स को चाहिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो आप इस टाइम पे केमिकल फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र आप कम ही क्वांटिटी में दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना कर देते हैं, अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा भी हमारे प्लांट में चला जाता है तो कोई नुकसान नहीं होता है। तो हम आज एक ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र ही अपने प्लांट में देंगे और ये देखिए, मेरे इधर सारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी है, फ्लावरिंग भी कम ज़्यादा हो ही रही है। ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और पर्चुल का पर्सलेन पे तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग है, तो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ प्लांट्स में। और आज जो बना रही हूँ ये है फ्रेंड्स, प्याज के छिलके, केले के छिलके, चाय पत्ती, नींबू के छिलके, और इसको मैं सबको मिला करके इसमें मैं एक डेढ़ लीटर मैंने पानी लिया है। इस डब्बे में मैं इसको डाल करके 48 घंटे के लिए उठाकर रख दूंगी। कोई भी फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बनाते हैं ऐसे, तो उसको अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट होने में 48 घंटे तो लग ही जाते हैं। वैसे आप 24 भी रख सकते हैं, लेकिन अगर 48 घंटे आप इसको छोड़ देंगे इसमें, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट हो जाएगा और इसके जितने भी सारे न्यूट्रिशंस हैं वो हमारे पानी में आ जाएंगे और फिर हम इसको अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं प्लांट्स में फ्लावरिंग लाने के लिए, ग्रोथ के लिए और मिट्टी को हेल्दी रखने के लिए, उर्वरक बनाने के लिए मिट्टी को। ये सब चीज़ें जो हम डालेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूज़फुल हैं हमारे प्लांट के लिए। और दालचीनी भी मैंने इसमें मिलाई है, दालचीनी भी हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी है, रूट्स को मजबूत बनाती है। तो मैं इसमें आधी चम्मच से ज़्यादा मैं ये मैंने पीस के रखी हुई है, थोड़ी कूट के रखी है, तो मैं ये इसमें डाल दूँगी। और इन सारी चीज़ों का हमारे प्लांट्स पे बहुत ही अच्छा असर होता है, ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो आप इनको सबको मिला करके 48 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद इसको ज़्यादा टाइट ढक के मत रखिए, इसको थोड़ा लूज़ ही रखना है, क्योंकि जो इसमें गैस बनेगी तो वो थोड़ी निकलनी चाहिए बाहर। तो इसलिए आप 48 घंटे के लिए इसको बना करके शेडी एरिए में ही रखिए, धूप में मत रखिए इसको। और ऐसे मैं इसको ढक करके छोड़ दूँगी 48 घंटे के लिए, उसके बाद ही हम इसको यूज़ करेंगे अपने प्लांट्स पर। तो फ्रेंड्स, कोई भी फर्टिलाइज़र हम देते हैं जब, तो हमें अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी को सॉफ्ट बनाना बहुत ज़रूरी है ऊपर से, तभी हमारा जो फर्टिलाइज़र हम इसमें यूज़ करेंगे वो जल्दी से हमारी रूट्स तक पहुंचेगा। अगर ऐसे ही आप टाइट मिट्टी में फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो वो रूट्स तक जल्दी से नहीं पहुँच पाएगा। तो मैंने अपने प्लांट्स की इधर गुड़ाई कर ली है और इसके बाद ही मैं जो फर्टिलाइज़र आज दूँगी वो मैं इसमें कैसे देना है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये है 48 घंटे के बाद का रिज़ल्ट। इसको भिगोए हुए 48 घंटे हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट हो चुका है इस टाइम। ये देखिए, केले के छिलके सब अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसमें भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व जो हैं वो इस पानी में आ चुके हैं और एक ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें प्याज के छिलके हैं, प्याज के छिलकों में फ्रेंड्स अच्छी मात्रा में विटामिन्स होते हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाश और जिंक भी होता है प्याज के छिलके में, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग लाने में बहुत ही मदद करता है फ्रेंड्स। और इसमें मैंने केले के छिलके मिलाए हैं, केले के छिलके में पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, विटामिन्स होते हैं कई तरह के, और जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और नींबू के छिलका तो अपने आप में ही एक एनपीके का काम करता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस होता है, और इसकी गंध से ही जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी भाग जाते हैं और इससे ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है, क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको एसिडिक सॉइल बहुत ही पसंद होती है। तो ये पीएच लेवल को ठीक रखता है और एसिडिक सॉइल बनाता है। तो इसको आप नींबू के छिलके अपने प्लांट में यूज़ कीजिए ज़रूर। और चाय पत्ती में नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम होता है और ये भी मिट्टी को एसिडिक बनाती है और
मिट्टी का एरिएशन भी बहुत अच्छा होता है चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र देने से। और इसमें टैनिन एक पदार्थ होता है जो कि हमारे प्लांट को रोगों से लड़ने में मदद करता है। और दालचीनी के तो इतने फ़ायदे हैं फ्रेंड्स, अब हमारे प्लांट्स पे वो नए पौधों की ग्रोथ बढ़ाता है, फंगस भी दूर करता है। और मिट्टी में अगर फंगस, चींटी, मकड़े, कीड़े जो भी है, मक्खी मच्छर, वो सब भाग जाते हैं इससे। और ये सीडलिंग में अगर आप इसका दालचीनी का फर्टिलाइज़र अगर आप डालती हैं और कटिंग और सीडलिंग में, तो बहुत ही जल्दी से ग्रोथ होती है। तो आप दालचीनी के बहुत ही गुण है, ये एक रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। दालचीनी आप ऐसे भी एक एक चम्मच, आधा आधा चम्मच अपने प्लांट में डाल सकते हैं अगर आपके प्लांट में कीड़े मकोड़े वगैरह हो गए हैं तो। तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है। अब कैसे करना है, जितना फर्टिलाइज़र लिया है मैंने इसका 3 पार्ट में इसमें पानी मिलाऊंगी, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है। आप इसको ऐसे जो का तो मत डालिए, नहीं तो प्लांट्स में कुछ फ़ायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं अगर हम उसको ठीक से अच्छी मात्रा में नहीं देंगे जैसे बताया गया है। तो इसमें मैंने जितना फर्टिलाइज़र लिया था मैंने उसका 3 पार्ट पानी लिया है और मैं इसको हर प्लांट में डाल दूँगी अच्छी तरह से। और इसको डालने के बाद हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, फ्लावरिंग होगी। अगर कलियाँ बन रही हैं आपके प्लांट पे तो बहुत जल्दी ही अच्छे स्ट्रॉन्ग, उसका मतलब बढ़िया कलर भी आएगा प्लांट्स का, निखर के आएगा कलर, और पत्तियाँ भी बहुत ही सुंदर ग्रीनिश बनेंगी। तो इसमें भरपूर मात्रा में सारे तत्व हैं इस फर्टिलाइज़र में। तो आप अलग अलग से भी ये बना कर दे सकते हैं फर्टिलाइज़र, अपने चाय पत्ती का अलग से बना कर दे सकते हैं, केले का दे सकते हैं, ऑनियन पील फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग प्लांट में आप 10 से 15 दिन में एक बार ज़रूर डालिए। इसको पोर्चुलका में भी डाल सकते हैं, पर्सलिन, पोर्चुलका, जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं उसके लिए ऑनियन पील फर्टिलाइज़र बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ऑनियन पील में भी सारे विटामिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रचुर मात्रा में पोटाश जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो भी प्याज के छिलकों में पाया जाता है। और फ्री का फर्टिलाइज़र है, आपको कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। किचन में डेली निकलता है प्याज और के छिलके, और केले खाते हैं तो केले के छिलके भी निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर प्लांट में आपको एक ही दिन देना है, एक दिन एक में बना के दीजिए, दो में दे दीजिए, अगले दिन फिर दीजिए बनाकर दूसरे तीसरे में। तो ये हमारे प्लांट पे फ्लावरिंग लाने में बहुत ही मदद करता है। तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है, आप इसको 10 से 15 दिन में यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, कोई भी नुकसान हमारे प्लांट को नहीं होने वाला है इससे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी दी हुई, अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।